नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। गृह मंत्री अमित शाह को एम्स से मिली छुट्टी, थकान और सिरदर्द के कारण हुए थे भर्ती। भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पद्मावती का निधन, कोरोना से थी संक्रमित। तमिलनाडु में एक और शख्स के साथ उत्पीड़न मामला, 6 दिन गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा। पीएम नरेंद्र मोदी ने वेल शार्क की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। नायडू ने कहा कि बुजुर्गों के लिए मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता। भारत बांग्लादेश सीमा के पास बीएसएफ के कर्मियों को नहर से मिला गुजरात के व्यक्ति का शव। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार को नहीं चलाने चाहिए एयरपोर्ट और एयरलाइंस। ओडिशा के सीएम ने विधायकों से कहा कि जेईई और नीट में शामिल होने वाले बच्चों की करें हर संभव मदद। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में खिलौनों का कारोबार 7 लाख करोड़ का, भारत को बनाएंगे आत्मनिर्भर। ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा, कहा कोरोना से निपटने की कोई चिंता नहीं। विश्व भारती के 3 अधिकारी बैठक विवरण से छेड़छाड़ के आरोप में बर्खास्त। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं जो पीएम मोदी के सामने टिक सके। तेलंगाना में मुहर्रम के जुलूस में नियमों की उड़ी धज्जियां, पुलिस की मौजूदगी में जमा हुई भीड़। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कोविड-19 की वजह से विदाई समारोह में जाने से किया इनकार। बाढ़ से बेहाल मध्य प्रदेश के 394 गांव की स्थिति गंभीर, ओडिशा में 17 लोगों की मौत। साई ने टॉप्स योजना के तहत आने वाले निशानेबाजों को 2 सितंबर से अभ्यास की मंजूरी दी। लुइस हैमिल्टन ने जीता बेल्जियम ग्रैंड प्री का खिताब, दर्ज की करियर की 89वीं जीत। शतरंज ओलंपियाड, पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ी को दी बधाई, पहली बार गोल्ड जीतकर रचा इतिहास। बार्सिलोना की जरूरी कोविड-19 जांच में शामिल नहीं हुई मेसी, संबंधों में बड़ी खटास। श्रुति मोदी के वकील का दावा, ड्रग्स ने डाला सुशांत सिंह राजपूत के करियर पर असर, बहन को भी थी नशे की लत। राम मंदिर की नींव के लिए अगले सप्ताह शुरू हो सकती है खुदाई, 4 दिन में पास हो जाएगा नक्शा। झारखंड सरकार ने भाजपा सांसद साक्षी महाराज को होम क्वारंटीन करने के 24 घंटे में ही कर दिया रिहा। ब्रिटिश पीएम के आवास के सामने बलूचिस्तान में दमनकारी शासन के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। अमेरिका के पोर्टलैंड में हुई प्रदर्शन के दौरान हिंसा में 1 की मौत। भारत में फंसे 200 पाकिस्तानी नागरिक 3 सितंबर को लौटेंगे स्वदेश।